अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप और आपके बर्ड्स ख्वार आपके से होंगे। आज का टॉपिक मैंने बहुत ध्यान से इसको चूज़ किया है और मौसम के हवाले से ये टॉपिक है। और ये जो नेक्स्ट वीक है बहुत गर्मी पड़नी है, इवन कि हमारे कुछ शहरों में 50 अबव भी ये टेम्परेचर जाएगा। तो हमने अपने बर्ड को किस तरह सिक्योर करना है, उसको बहुत सी मोर्टैलिटी हो सकती है और हो भी रही है। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बर्ड हांपेगा भी नहीं और बहुत एक्टिव रहेगा। इवन के टेम्परेचर 40 प्लस भी चला जाएगा तो आपका बर्ड की जो फुर्तियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी शदीद पकड़ चुकी है और टेम्परेचर शेड का 43-44 तक जा रहा है और इस टाइम पे आपने जो पानी है, पानी काम नहीं करेगा। सिंपली पानी देंगे तो आपके बर्ड को मोशन भी लग सकते हैं क्योंकि वो दाना बहुत कम खाता है। पानी ज़्यादा पिएगा तो उसको डायरिया भी लग सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं। सबसे सस्ते जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इस टाइम पे वो साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मैं पिक्चर भी साथ लगा दूंगा जिसमें विटामिन्स भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है। ये आपने बाय कर ले रहे हैं अपने, आपके ये ईजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। आपने 2 लीटर में 1 ग्राम ये डालने हैं, लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये यूज करेंगे तब आपका बर्ड फिर भी हांपेगा। अब आपने क्या करना है कि आपने ग्लूकोज डी लेना है। ग्लूकोज जो डी है, ठीक है, 1 ग्राम 2 लीटर पानी में आपने वो भी डाल देना। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं, ठीक है। और ये जो आपने डालना है, मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप डालते हैं वो 11 बजे से लेके 5 बजे तक, क्योंकि ये पीक टाइमिंग है गर्मी के, इस टाइम में ये अवेलेबल होना चाहिए आपके बर्ड्स को। और दूसरी बात, इस टाइम पे आपको बर्ड को धूप की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करें कि उसको सायेदार जगह पर उसको साया कर दें, ठीक है। वहाँ पर तरपाल लगा लें, कोई चादर लगा लें, डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपको अगर हम धूप में नहीं खड़े हो सकते तो हमारे बर्ड्स भी धूप में नहीं बैठ सकते। ये ना हो कि आपके बर्ड्स को 1 बजे से लेके या भी 2-3 घंटे भी डायरेक्ट धूप पड़ रही हो तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। तीसरा पॉइंट, वेंटिलेशन का ख्याल करना है आपने। जितनी वेंटिलेशन अच्छी होगी बर्ड को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जो मैंने आपको बताया है साइमंस के विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें, उसके बाद ग्लूकोज डी आप उसके अंदर डालें, अच्छी वेंटिलेशन दें, अच्छी वेंटिलेशन। कुछ लोग मेरे भाई ये भी काम कर रहे हैं कि टोटली पैक किया हुआ, कूलर लगाया हुआ है, टेम्परेचर को कम किया हुआ है, इसमें भी मसला आएगा आपको। वेंटिलेशन, अगर आपने कूलर एक तरफ से लगाया हुआ, दूसरी तरफ से आप उस हवा को एग्जिट करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ चारों तरफ से कवर किया हुआ कूलर लगाया हुआ है तो अंदर हब्स हो जाएगा, ये भी बर्ड के लिए बहुत खतरनाक है। इस टाइम पे वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड को सेफ रखने के लिए। गर्मी से बर्ड को कुछ भी नहीं होगा, 50 भी टेम्परेचर चला जाएगा कुछ नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वेंटिलेशन का ख्याल कीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ग्लूकोज दें, इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड मज़े में इंजॉय करेगा, खाएगा भी अच्छा। और दूसरी बात, ये हफ्ते की से भी गर्मी है, उसके बाद बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, सब फोरकास्ट में है, फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। जब बारिशें हो जाएंगी 2 दिन गर्मी पड़ेगी, यानी सुबह गर्मी होगी, शाम को अच्छी हवा चलेगी, सब कुछ सेट हो जाएगा वो। लेकिन ये जो ड्राई गर्मी है ये बहुत, क्योंकि ज़रा सा भी बर्ड डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी से वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो खारिज होंगे तो वो ढीला हो जाएगा और आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देंगे, वो खाना भी नहीं खाएगा, वेट लूज हो जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा और बीमारियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। तो मेक श्योर इस गर्मी में अपने बर्ड्स की खास ख्याल करें।
मैंने व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप बनाया है, मेरा नंबर चल रहा है, आप काइंडली मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दूंगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जावा की ब्रीडिंग टिप्स और जो मेडिकेशंस हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन होती है। बहुत से भाई और बहनों को ब्रीडिंग में मसला आ रहा है, ठीक है, मैं आपको ये कहा कि बहुत इजी बर्ड है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल बर्ड है, उसकी अगर आपको टेक्निकलिटी आपको समझ लग जाएगी तो आप ब्रीड ही ब्रीड लेंगे। तो ये ग्रुप जो बनाने का, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि जो भी भाई को मसला आए, बहन को मसला आए, उस ग्रुप से उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं, ये मेरा नंबर है स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको मुझे मैसेज करें और मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीडियो छोटी सी थी, अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को बहुत फायदा हो। मेरा फेसबुक का पेज है जावा स्पैरो वर्ल्ड, यहाँ भी ज्वाइन करें, यहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत इजी है, आप बहुत इजीली अपना बर्ड सेल कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जावा इस साल नॉन स्टॉप बाइंग सेलिंग हो रही है, जावा की सेलिंग रुकी नहीं है, माशाल्लाह इतना जबरदस्त बर्ड है और इसका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। और जिन भाइयों को, उनके मसला आता है, ये नहीं कि मुझे मसला है, मुझे भी मसला है, लेकिन एक्सपीरियंस से अब क्या चीज़ है कि अब जो मुश्किलात मुझे आई है, मैं नहीं, अगर वो मेरे भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह उनको नहीं आएंगी, क्योंकि नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे वो अच्छा है, बर्ड्स के लिए भी अच्छा है, बर्ड्स इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए अच्छा है। तो बहुत से बड़े बड़े ब्रीडर्स भी हैं, उनको भी मसला आया जावा में, जावा एक टेक्निकल बर्ड है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला आंसर भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।